आप तीसरा दिन है आज और अब मैं जा रहा हूँ डाउकी इधर चेरापूंजी की तरफ, और टैक्सी से ही जा रहा हूँ। बाइक का इरादा था पहले, बाइक का इरादा ड्रॉप कर दिया क्योंकि बाइक का भरोसा नहीं है, रोड कैसा हो वहाँ पे, कभी बारिश हो सकती है ना वहाँ पे, तो हाँ कभी बारिश हो इसी सकती वजह से मैंने अब टैक्सी से ही जा रहा हूँ। और आज देखते हैं कितने स्पॉट कवर हो पाते हैं, उसके बाद कल ट्रैकिंग है डबल डेकर की, और ट्रैकिंग करके फिर डाउकी एक जगह है वहाँ पर जाएंगे और दिखाएंगे आपको व्यूज़। तो चैनल पे मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग। अभी चाय पीने रुके, चाय तो पीना बहुत ज़रूरी है, सही सुबह इतना काम नहीं करें। ये पीछे है शॉप पे चाय पी, और ये बाहर का नज़ारा दिखा दो आपको, पीछे वाले कैंपस है, बहुत सुकून की जगह है। लेकिन भाई बस यही है कि अपनी गाड़ी से इंसान ट्रैवल करे तो ही फ़ायदा है। ये है नज़ारा जहाँ पे मैं चाय पी रहा हूँ, शॉप है, और ये टैक्सी किससे मैं जा रहा हूँ। ये जा रहा है डॉकी के लिए रास्ता, और ये है चेरापूंजी, हम लोग जा रहे हैं सब। तो अभी जा रहे हैं फर्स्ट डेस्टिनेशन को, जिसका जो क्या नाम है भैया उसका, मोकोटक कैंपिंग व्यू पॉइंट। क्या बोला भाई, कोई पता है, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी जाएंगे। मोकटक देवान सिंह ब्रिज भी बोलता है इसको, वहाँ कुर्बान फिल्म शूटिंग हुआ था, कुर्बान फिल्म का शूटिंग हुआ थी वहाँ पे, तो वहाँ पे जीप लाइनिंग है, वहाँ पे जिप लाइनिंग मिलेगी देखने को, कर भी सकता है, करना चाहो तो कर भी सकते हैं। जिप लाइन दुबई वाला नहीं किया था, देखते हैं आला कैसा है, अगर पॉसिबल हुआ तो करेंगे। अब घर से निकले हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और ये ट्रिप ख़त्म होने के बाद जो है मेरा प्लानिंग है, तवांग भी बहुत अच्छी जगह है सुनने में आया, वो उसमें बर्फ़ बर्फ़ गिरती है, कश्मीर की कंपैरिजन में ही है, कश्मीर जैसी तो नहीं हो सकती लेकिन हाँ कश्मीर जैसी ही होगी, है ना, ऐसी ही है, पूरा पहाड़ी पूरा बर्फ़ है, रास्ता में भी पूरा बर्फ़ रहता है, चेन लगा के चलाता है गाड़ी, चेन लगा के गाड़ी चलती है। ये भाई हैं हमारे साथ, ये दो दिन रुकेंगे हमारे साथ, कल और परसों, है ना। चलो अब देखते हैं जाते हैं, फिर वहाँ से भी सामान भी रखना है, पीछे सामान पड़ा हुआ है, होटल भी लेना है, तो पहले घूम फिर के तब जाएंगे होटल में। यहाँ पे 4:30 बजे सारे स्पॉट्स बंद हो जाते हैं, और अभी 10 बज रहे हैं, तो सोया नहीं हूँ मैं यार, ऑफिस भी करना रहता है, इसके चक्कर में सो भी नहीं पा रहा, लेकिन मैं ट्रैवल करूँगा जब तक ताकत है। और कल जो है सबसे हार्डेस्ट डे है, कल जाना है ट्रैकिंग के लिए, जो कि 3500 स्टेप्स नीचे जाएंगे, तब जाके डबल डैगर ब्रिज आएगा, जो कि जो है लिविंग रूट ब्रिज है वो, और ये सब आपको असम में देखने को मिलेगा, और ये कहीं नहीं है, मतलब पूरे वर्ल्ड में नहीं है कहीं पे। तो कल वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से 3500 स्टेप्स ऊपर आएंगे, तो मतलब समझ लो 7000 स्टेप्स का ऊपर नीचे करना, और अंदर और भी स्टेप्स होंगे भाई। हाँ अंदर में भी है, वहाँ से डबल रेनबो फॉल्स जाने के लिए, रेनबो फॉल्स जाने के लिए कितना चलना पड़ता है, वहाँ से और 1 घंटा, वहाँ से 1 घंटा फिर चलना पड़ेगा। ओ भाई साहब, मतलब कल पैरों की हालत ख़राब होने वाली है, कल जो है कोई अच्छा सा पैजामा पहन के जाएंगे कल ट्रैकिंग करने पर। हाँ अपन नॉर्मल जूता पहनना पड़ेगा, नॉर्मल जूता पहनना पड़ेगा, नॉर्मल जूता चले, बने रहिए, अभी नज़ारे दिखाता हूँ, अभी नज़ारे दिखाए थे और भी दिखाऊंगा, बहुत अच्छी जगह है, सुकून है यहाँ पर काफ़ी। हम लोग यहाँ मैं इस पॉइंट पर आ गया हूँ, ये ट्वांग सिंग चाम रिंग वांग माउंट डॉक प्लान क्या है,
नजारे देखो। पहले ब्रिज पे पीछे नजारे जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ वाटरफॉल है यहाँ पे कहीं नीचे देख लो उस्ताद भाई साहब। ऑफिस ऑफिस सब करके सब टहल रहा हूँ, लेकिन यार तुम लोग को सपोर्ट ही नहीं आ रहा यार। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। देखते हैं नीचे आके, प्लीज़ सपोर्ट गाइस। प्रैक्टिस हो रही है कल के लिए, कल चलना 35 steps 3500 steps नीचे। ओए क्या है यहाँ पे, स्वाजी तो नहीं जाने नीचे। पीछे नजारा देखो भाई साहब, वाओ ब्यूटीफुल है। डंपिंग वैली है, अभी एक भाई मिले, यू कैन सी तो उनके हिसाब से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो डाउन। इज इट डिफिकल्ट टू गो डाउन और इट्स डिफिकल्ट टू गो अप? इट्स वेरी स्टिफ। गोइंग इज वेरी इजी, ओके, कमिंग अप इज डिफिकल्ट। इट्स लाइक अ डोंकी। लोगों के ऊपर आते हुए हालात देख के मुझे लग रहा है कि नीचे जाना सही नहीं है, लेकिन लेट्स सी। थक गए भाई? दैट इज व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू लूज वेट एंड वॉक मोर। जितना आप ज्यादा वॉक करोगे ना तो उतना यू विल हैव मोर स्टेमिना। बट बात स्टेमिना की नहीं है, बात यह है कि प्लेन पे चलना और आपको रॉक पे माउंटेन्स पे क्लाइम करना इट्स अ डिफरेंट थिंग। 400 steps डाउन नीचे जाना है और फिर 400 ऊपर आना है। कल के लिए प्रैक्टिस हो रही है बहुत अच्छी वाली। सो 400 steps फॉर दिस, इसके लिए 400 steps नीचे आओ। और ये पानी है, ये सराउंडिंग है इसकी, और मैं अकेला हूँ। आई एम द लोनली गाय ओवर हियर, कोई नहीं है मेरे आसपास, मैं और ये वाटरफॉल। ये वाटरफॉल तो लग नहीं रही लेकिन है, वीडियो बनाते फिर चलते ऊपर। ये रही वाटरफॉल, इसके चक्कर में ना अभी तक 80 steps ऊपर आ चुका हूँ। 3500 कैसे करूँगा यार, चल चलिए। अभी एक पॉइंट है, तो एक ग्रीन वैली पॉइंट है यहाँ पर, मैंने मिस कर दिया, मिस किया करा क्योंकि टाइम बहुत कम है और केव्स भी जाने और ये सब चीज़ वही है सामने, इस तरह का व्यू है नीचे से, ये तो जाने का कोई फायदा नहीं है। इधर है ग्रीन वैली पॉइंट, दिखाता हूँ।
यहाँ से ये स्टेप्स चढ़ के ऊपर जाना है और वहाँ पे इधर जाके आपको फोटो खिंचवाना है, मतलब व्यू लेना है। ये तो आगे ही मिल जाएगा, चलते हैं आगे इधर। दुनिया जाती है इधर उधर, पचारे अलग व्यू पॉइंट पे देखिए। यहाँ पे आग लग गई थी क्या? अच्छी वाली ट्रैकिंग हो रही है यहाँ पे तो, लेकिन ये सब तो देखनी पड़ेगा। यहाँ पे आए हैं वी वाले व्यूज तो एंजॉय करने पड़ेंगे। खतरनाक है जगह भाई, देख रहे हो जगह भाई साहब। मैं इतनी ऊंचाई पे हूँ, अभी आपको व्यू दिखाऊंगा ना यहाँ से, यू विल बी शॉक्ड। कहाँ पे हूँ मैं? जस्ट सी दिस, देख रहे हो व्यू भाई? ये देखो अल्टीमेट, बाइक थार खड़ी है, कोई आ हुआ है मेरे ख्याल से। थोड़ा सा आगे और चलते हैं, ज़्यादा आगे रिस्क नहीं लेना, ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश नहीं करना। वो सीधा व्यू, इट्स ब्यूटीफुल। आई एम हियर द ब्यूटीफुल वैली, सीधा व्यू, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। देखते हैं, चाहते हैं मैं कहूँ, लेट्स सी। सी द व्यू आई एम हियर, ये देखो क्या प्यारा व्यू है। ये पूरा यहाँ का गांव है, देखिए ना कितना छोटा छोटा गांव। हाँ वही देखा हूँ, ये चर्च है, ये एक गांव का चर्च है, लेकिन जो अभी हम दिखाऊंगा उधर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था, वो खाली संडे के दिन में खुला रहता है। ये छोटे छोटे गांव है यहाँ पे। अच्छा इन लोगों का मतलब यहाँ पे रिवाज एक बहुत बढ़िया है, मुझे तो बहुत ये लगा भाई, आदमी लोग घर पे रहते हैं और औरतें जाती हैं काम करने, और घर पे रह के आदमी जो है सिर्फ घूमते फिरते रहते हैं और अपना नशा वशा करते रहते हैं। यहाँ पे अभी दिखाता हूँ, सारी औरतें काम पे आ रही हैं, देखिए बैठे हुई बेचारी यहाँ पे, सब लोग काम कर रहे हैं और आदमी लोग जो है घर पर बैठा हुआ है। इस विलेज में आपको जब जाओगे तो औरतें दिखेंगी, आदमी लोग सब घर पर बैठ के आराम कर रहे हैं। यहाँ पर ठंडा हो गया मौसम,
बाबा होम स्टे है यहाँ पे, मैं यहाँ पे होम स्टे ले बता रहा था कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, गवर्नमेंट की नहीं है प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की नहीं है, सब पहाड़ी यहाँ का लोकल प्रॉपर्टी है। अब आ गए हैं न्यू जगह पर, इसका आने वाले ब्लॉग में आपको पता चलेगा कि गार्डन ऑफ पेज है। प्लीज मेरे चैनल पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।